तो कैसे तो हे गेमर्स, स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू पबजी द मोबाइल आईटी की डुओ वर्सेस स्क्वाड वाली गेम प्ले वीडियो में, जिसमें कि अपन फैक्ट्री उतर रखे और उतरते ही ना मेरे को S12 के मिल जाती है सबसे पहले तो, और यहाँ पर एक पूरी की पूरी स्क्वाड उतर रखी होती है। अब एक बंदे को तो मैं उतरते ही चिपका देता हूँ, लेकिन सामने ना और भी दो बंदे होते जिनका किल मेरी आंखों के सामने चोरी हो जाता है। खैर दो किल गए तो जाने तो कोई बड़ी बात नहीं यार, अभी भी पूरे के पूरे 55 बंदे अलाइव हैं, जिसमें कि ना अभी नीचे की तरफ भी और एक स्क्वाड होती है पूरी पूरे, वहाँ पर ना कतई भर भर के किल्स मिलने वाले हैं। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए यार पहली फुर्सत में अपना जितना भी सामान होता है सब कुछ लूटपाट के ना सामने की पहाड़ी पे ना बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि फाइट कर रहे होते हैं आपस से, तो अपन चुपचाप गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी भी हमको ये भीड़े वाला स्कूटर मिलता है, बस इसी में बैठ कर ना सीधा रश कर देते हैं बंदों पर। एंड जैसे ही ऊपर पहुंचते ना पहले तो एक बंदा दिखता है जो कि ऊपर चढ़ते ही पता नहीं अचानक से कहां गायब हो जाता है, और फिर एकदम से तीन तीन बंदे आ जाते हैं यहां पे। सॉरी यार दो ही बंदे थे, दरअसल तीन बंदे ना अभी नीचे की तरफ हैं और उनमें से एक बंदे को इन्होंने डाउन कर रखा होता है, तो पहले तो अपने टीममेट को यहाँ पर रिवाइव देते हैं ना, और फिर वो जो डाउन होता है ना पहले तो कोशिश करता हूँ उसका किल चोरी करने का, और फिर जैसे उसका किल कंप्लीट हो पाता है ना फिर बाकी के जो दो बंदे बच रहे थे उनकी भी पेटी बनाते हैं। तो बिना किसी मेहनत के फोकट का किल भी मिल जाता है यहाँ पे, और बाकी के जो दो बंदे होते हैं उनका भी किल मेरे को मिल जाता है। अब टोटल यहाँ पे 6 किल हो चुके हैं और अपनी क्वीन फिर से नॉक पड़ी है, तो इनको रिवाइव देते हैं, और फिर यहाँ पर यार कुछ तामझाम नहीं होता, बस पेटियाँ वगैरह लूटना होता है और कोई खास गन भी नहीं मिलती। ये जो S12 की है और क्लोज रेंज के लिए दोनों गन बेस्ट हैं, तो यही उठाकर ना निकल लेते हैं आगे। अब थोड़ी ही दूर आगे की तरफ बढ़े थे इतने में एक फ्लेयर चलती मिलती है हमको, जो कि यार पीछे चर्च पे चली होती है, तो अपन भी बिना किसी झिझक के गाड़ी ले चलते हैं सीधा वहीं पे, और गाड़ी फंस जाती है हमारी। एंड यहाँ पर उम्मीद तो मैंने ये करी थी कि नहीं यार पूरी की पूरी एक स्क्वाड होगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा होता है जिसने अकेले फ्लेयर चलाई होती है, और भाई डेयरिंग देख रहे हो बंदे की कहते, मतलब अकेला फ्लेयर चला के अकेला लूट के भागने की तैयारी में था, लेकिन बस धर लेते हैं हम इसको बीच में ही। एंड मुझे पता नहीं यार क्यों मैं S12 के चलाता हूँ, लेकिन यार चलानी पड़ती है, क्या करूँ S12 के मेरे साथ इतने गंदे गंदे ग्लिच हो रखे ना, एम एकदम से चोक हो जाता है भाई, एम इधर से उधर मूव ही नहीं होता, लेकिन फिर भी चलाना पड़ता है क्योंकि 10 में से ना 7 मैचेस में S12 के वाला ही पेल के जाता है मेरे को। अब यहाँ पर से इस बंदे की पेटी से यार AUG मिल जाती है, तो वो उठा लेते हैं, और 6x अपने पास पहले से ही पड़ा, तो यार कतई जहर कॉम्बिनेशन। एंड जस्ट अपने पीछे ही एक ड्रॉप हो रखा था जहाँ पर पूरी एक स्क्वाड, एक स्क्वाड में यार तीन बंदे होते हैं एक स्क्वाड के जो कि ड्रॉप लूट रहे होते हैं, जब तक ये यहाँ पर आते हैं ना बहुत गंदा डैमेज देता हूँ इनको, और देखो बस कैसे भरते हैं इनको फिर। मैं तो यहाँ पर कतई शॉक था क्योंकि पहले दो बुलेट्स में S12 की ये बंदा नॉक ही नहीं हुआ, जबकि पहले से भी ये डैमेज था, बट कोई दिक्कत नहीं यार निपटा देते हैं इसको भी, और HP देख सकते हो कितनी बची, तो इनका जो लास्ट टीममेट होता ना वो पता नहीं कहाँ पर होता, मेरे को इसकी कतई लोकेशन नहीं पता होती, और यहाँ पर क्वीन इनकी पेटी बनाने में लगी होती, इतने में वो बंदा जो लास्ट होता ना वो यार नेट कर देता और अपनी क्वीन नॉक हो जाती है, फिर जो लास्ट बंदा बच रहा होता ना उसकी पेटी बनाते हैं। She was scared.
अब फाइनली यहाँ पर भी ये तीनों बंदे आए थे और इन तीनों की पेटी बन चुकी है। और यहाँ पर अपने पास गाड़ी नहीं होती यार, अपनी क्वीन को फिर से यहाँ पर रिवाइव देते हैं। और गाड़ी तो वैसे ही मैंने आते आते लटका दी थी, और जो ये बंदे गाड़ी लेकर आए थे और उस गाड़ी की तो बजा के रख दी थी। अब फाइनली क्वीन मेरे लिए यार पीछे फ्लेयर से ना MK-14 उठा के लाए होते, तो S12K छोड़ देते और MK-14 कतई जहर है, बता रहा हूँ तुम लोगों को। एंड यहाँ से फिर अपनी ना ओलंपिक की दौड़ चालू होती है, क्योंकि गाड़ी तो अपने पास है ही नहीं और अपने को गाड़ी चाहिए। गाड़ी के बिना यार कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 10 किले हैं और अभी भी 13 बंदे लाइव हैं, जिसमें से कि दो अपन है, तो यानी कि 11 बंदे लाइव हैं। और यार कंटेंट के लिए ना किल मैटर करता है, और देखो मेरे पास तो अभी यहाँ पे गाड़ी है नहीं, और किल के लिए गाड़ी मैटर करता है, क्योंकि गाड़ी घुमाओगे तभी तो बंदे मिलेंगे और गाड़ी अपने पास है नहीं। तो मेरे को भागते भागते ना स्टेडियम नहीं यार स्कूल के पीछे, यार क्या है ये, हाँ स्टेडियम के पीछे जाना पड़ता है जहाँ पर बग्गी मिलती है। फाइनली काश मैं यहाँ पे थोड़ी देर पहले आ जाता तो यहाँ पर भी एक आधा किल मिल जाता, क्योंकि यहाँ पर दो बंदे ठिलाए होते क्वीन ने अभी भी। एंड अगेन गाड़ी उठाकर सीधा ड्रॉप पे चल लेते, क्योंकि जहाँ पर ड्रॉप होता है वहाँ पर बंदे मिलना फिक्स ही है। और ड्रॉप पे जैसे ही पहुँचते हैं ना, फिर पीछे यार ये जो अपार्टमेंट्स हैं यहाँ से फायरिंग के साउंड आता है, तो अपन गाड़ी मोड़ लेते हैं सीधा ड्रॉप से, क्योंकि ड्रॉप आई थिंक लूटेड होता है यहाँ पे, तो गाड़ी मोड़ते हैं और सीधा चल लेते हैं अपार्टमेंट्स। अब पहली दफ़ा मैंने जब गाड़ी यहाँ पे रोकी तब मेरे को लगा कि यार कोई भी बंदा नहीं, क्योंकि फुट स्टेप ही नहीं है। अब जैसे ही आगे बढ़ता हूँ ना यहाँ पे फुट स्टेप आते हैं, तो पता चल गया कि यार बंदे तो हैं यहाँ पे, और वो दो बंदे होते हैं जिसमें से कि एक ही किल मिलने वाला है मेरे को। तो बस देखो उनको भी भरते हैं MK-14 से। एंड यहाँ पर अगेन मेरा एक किल चोरी हो गया यार, क्या ही मस्त खेल रही थी क्वीन, सही बता रहा हूँ, मेरे सारे किल यहाँ पे चोरी हो गए हैं। मतलब टोटल मेरे कितने किल चोरी हुए तुम यार गिन लेना है ना, जब से हम फैक्ट्री उतरे थे तब से कितने किल चोरी हुए मेरे को, किल चोर कहीं की। और अब जो है ना सिर्फ लास्ट के तीन बंदे बच रहे, जिसमें से कि एक आई थिंक बॉट होता है, और जो बंदे बच रहे होते हैं वो बॉट को मार देते हैं, और लास्ट में सिर्फ दो ही बंदे बचते हैं जो कि एकदम पहाड़ की तरफ होते हैं। और पहाड़ की तरफ यार फ्लेयर भी चला, फ्लेयर नहीं एयर ड्रॉप आ रहा होता है, तो अपन निकल रहते हैं सीधा वहाँ पे। एंड हम आगे की तरफ जा ही रहे होते हैं ना, इतने में जैसे ही रोड पे पहुंचते हैं हमको एक बंदा दिखता है जो कि यार पहाड़ चढ़ रहा होता है। अब इसको नॉक करने के बाद इसका बचा लास्ट टीममेट जो कि पीछे की तरफ होता है, और उसको फिनिश करके ना फाइनली यहाँ पे चिकन डिनर कर लेते हैं। तो आई होप गेमर्स तुम लोगों को आज का ये वाला वीडियो छोटा सा था यार, लेकिन पसंद आया होगा आई थिंक। तो यार एक लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक तुमको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी का डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पर जाके भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए ना बाय।